नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर नहीं, मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से है, जहां सरकार की लाख प्रयास के बाद भी बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकार की बेटी बचाओ मुहिम पूरी तरह से फेल नजर आती दिख रही है। एक तरफ हाथरस व बलरामपुर का मामला ठंडा नहीं हुआ कि दूसरा मामला बाराबंकी जनपद में सामने आ गया है। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में धान की फसल काटने गई एक दलित युवती के साथ दरिंदों ने हैवानियत करने के बाद हत्या कर दी। धान के खेत में युवती का शव नग्न अवस्था में मिलते ही जनपद में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के साथ तमाम नेताओं ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक खेत में धान काटने गई किशोरी को बदमाशों ने उसकी गर्दन से हाथ बांधकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर नृशंस हत्या कर दी, जिस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। गांव में पीएससी डॉग स्क्वाड सहित पुलिस बल मौजूद है। इस संबंध में परिजनों सहित अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। कितने बजे आपको जानकारी मिली कि सर 4 बजे यहाँ घर पे गए बुटिया भरे कहीं मम्मी बल्ला कन कर लेके घर मर नहीं तो बच्चों को माय जी तो साहब अब नहीं कहिए न घोड़े में पूरी निकल रहे बच्चों हमार नहीं मिले रहे। आपको कैसे पता चला? पता का जब इस गाय का में पर्दत कहीं बिटिया नहीं आई तो कहीं नहीं आए तो कहीं देख के जाए गाँव और रह गए तो हम कहीं शायद धान पीटे जा रहे एक जने गाँव कहीं शायद वसावे बना रो क्लीन हुए कि तैयार हो गए बच्चा वसुआ लियो तो हम कहीं उनके खेते तक दिया को जाए दिया को वहाँ गए तो वहाँ पंचे नहीं रहे खेते गए तो वो देख के नहीं बच कैसे क्या हो गया था? कुछ धान काटे गई बिटिया हम मंजूरी करे साहब चले गए हम नहीं जाने सवेरे निकले शाम का तो शाम को जब बिटिया घर नहीं आया तो देखने आप ढूंढने गए ढूंढ गए साहब बिटिया दूर से देखा मरी परी लौटिया चिल्लाते क्योंकि रोज वो खेत जाती थी इसी टाइम धान रोज कबो नहीं तो वो खेत किसका बटा ये हम ही लगाए खेत पाट कोई नहीं हमारे किसी से कोई दुश्मनी किसी तरह गांव में कोई दुश्मनी नहीं तो मौके पे आप गए वहाँ पे क्या देखा वहाँ देखा मारी परी दूर से देखा भाग गया साहब अंधेर हुई गया हमका कुछ नहीं। आपको कैसे जानकारी मिली थी? हम ही आए पूछा घर पर बिटिया नहीं आई काट के तो कहीं नब्बे काटे गई रहे 4 बजे लेकिन नब्बे नहीं आई तो हम कहा चलो भाई देखी भाई जो देखा यहाँ 10-5 मिनट इंतजार किया कि सही तियावत हुए रास्ते में हुई हैं और जब यहाँ आए देखे लोके बादों नहीं आई बिल्कुल अंधेर हुई का तब तो हम फिर दौड़े हम कहा चली खेतवा हुआ जब खेतवा गए साहब हुआ देखा तो जो नहीं कोई नहीं बोला चप्पल दूर पर ही तो अच्छा जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम आसपास खेत में और कोई लोग काम कोई नहीं कर रहे थे साहब कोई खेते नहीं कटत का करी जब हम रहे नहीं मौके पर तो का बताइए हो रहा तो वहाँ पे मौके पर गए देखा क्या लड़की के हाथ बंद बंधे थे क्या हाथ पैर यमें जौन है बांधे जैसे देखा तैसे दूर से नहीं टार्च मारा देखा पर भागते हुए हम चले आगे हम नहीं जान का पुलिस को कैसे सूचना दी कैसे पुलिस पहुंची प्रधान ने प्रधान को फोन किया हाँ, प्रधान फोन किए प्रधान आए प्रधान जो है अपना थाने मुकदमा दर्ज हो गया हाँ सर मुकदमा दिनांक 14/10/2020 को थाना सत्रिक पर 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ की गई। दिनांक 15/10/2020 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 376 भारतीय दंड विधान की वृद्धि कर संदिग्धों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गईं। डिजिटल साक्ष्य और जमीनी सूचना के अनुसार घटना में शामिल अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ
आयु 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के अन्य विवरण का खुलासा किया है। हिरासत में लिए अभियुक्त दिनेश गौतम से हुई पूछताछ से प्राप्त तथ्यों को पुलिस टीम द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।